13 रन अभी तक, जो कि छोटे आंकड़े दो विकेट खोने के बाद। एम्पायर अनवर शेख, मैच बहुत धीमे चल रहा है, बहुत वक्त ले रहा है। और इस तरह फिर एक बार फील्डिंग में सजावट, अंकुश यादव का स्वागत करते हैं। और सिंगल से संतुष्टि ली उन्होंने, 14 रन दो विकेट खोने के बाद। बल्ला मिस्टर वैभव शर्मा का हम स्वागत करते हैं। मिस्टर वैभव जो टीम के ऑनर हैं, यशकीता काफी बढ़िया अच्छी टीम बनाई है मिस्टर वैभव ने। एक लंबा दौरे पर वो गेंद को भेजना चाहते हैं, अपने बल्ले से वो गेंद को यात्रा करा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी यात्राएं करा रहे हैं। पूरी तरह से ताकत लगा तो ली थी उन्होंने, लेकिन इस्तेमाल ठीक तरह से वो नहीं कर पाए। छोटा गेंद था, शॉर्ट पिच बना रहे थे, लेकिन मिड विकेट की दिशा में अगर ताकत के साथ खेलते हैं, 4/6 उन्हें निश्चित मिलते हैं। फिलहाल देखते हैं इसी गेंद के साथ में। ये काफी अच्छा शॉट आपका, सिंगल आपने लिया है, कवर की तरफ आप जा रहे हैं और इस तरफ कई रनों की आवश्यकता रहेगी आरकेटी को। एक एक रन जो बहुत इस वक्त महत्वपूर्ण है, दो विकेट चटक जाने की बात। यशकीता 11 मजबूत होती हुई अपनी गेंदबाजी में। उठा दिया, कर दिया एक बड़ा हमला, 6 रनों के लिए गेंद को एक दौरे पर भेज दिया, बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से और पूरे अनुभव के साथ सीधा 6 के लिए बल्ला। बरकरार आरकेटी अपने स्थान पर, बल्लेबाजी में जहां तक सक्षम होने का सवाल है तो एक अच्छा स्कोर उपलब्ध करना बहुत ही जरूरी है। बालाजी चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी सीजन 6 अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच। अनवर शेख के हाथ हवा में, अतिरिक्त की तरफ, और इस तरह रात की खामोशी में ये चौथे मैच की पहली पारी। कड़क शॉट खेलना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए मौके को फिर एक बार मौके में बदलना चाहते, लेकिन फिलहाल ओवर की समाप्ति। मैदान पे कल के दिन की 4 टीमें रह जाएगी, लेकिन सबसे पहली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बालाजी 11, कैप्टन नवीन खेटक, और अब बची हुई टीमें जो अपनी किस्मत को आजमा रही हैं और पसीने की टपकती बूंदों के साथ में मेहनत कर रही हैं।
अपने रास्ते को बनाती हुई टीमें वो देखिए मनोज धुआ धीरे धीरे जा रहे हैं, काफी सीनियर खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं मिस्टर मनोज धुआ जिनकी हम बात कर रहे हैं। मिस्टर मानस का स्वागत करते हैं फिर हम एक बार। रात्रि 12:40 दुधिया कलर की रोशनी अच्छी गेंद लेकिन सिंगल से संतुष्टि नहीं है उनको, बड़े हिट में उनको आराम मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी जब तक दोनों बल्लेबाज 3-4 छक्के नहीं लगा देंगे और 4-5 चौके जब तक वो नहीं लगा दे तब तक वो चुप बैठने वाले नहीं है, लेकिन मौका भी तो मिलना चाहिए उन्हें। फिलहाल मौके की फिरात में है दोनों बल्लेबाज। इस बार कड़ाके का जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब बहुत ही शानदार दिया 6-7 लॉन्ग ऑन की दिशा में। अच्छी गेंद फिलहाल नहीं रोक पाए बल्लेबाज के कदम को। ऑफ स्टंप की गेंद अनवर शेख के दोनों हाथ हवा में वाइट। लंबा हिट इस बार ताकत लगा दी पूरी लेकिन काफी अच्छी बढ़िया फील्डिंग। सीमा रेखा के दायरे में गेंद को रोका है क्षेत्र रक्षक ने और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया। और इस तरह चौथे मैच की कहानी फिर एक बार बड़े शब्दों से आगे बढ़ती हुई लेकिन फिलहाल सिंगल ही मिलेगा आपको जिस हिसाब से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां तक अगर टीम को देखा जाए कि यशकीता 11 एक अच्छी टीम है उस अनुसार से टारगेट उनके सामने होना चाहिए। 130-140 का टारगेट हो तो फाइट करने में उन्हें आसानी रहेगी। लंबी लंबी गेंद कर रहे हैं और अपना साहस बढ़ाते हुए फिलहाल विवेक ओवर की बात करते हैं रन के साथ 4-36 फिलहाल स्कोर तो आपका बहुत अच्छा है 24-36। अब 36 गेंदी बची है यानी 6 ओवर आने अभी बाकी है मैदान पर। बारह बज के 57 मिनट घड़ी की सुई है आपको बता रही दौड़ती हुई और गुजरता हुआ ये वक्त आपकी तरफ बयान कर रहा है। एम्पायरिंग पे अनवर शेख फिर एक बार मैच रुक गया है जहां तक मैच की पूर्ति के लिए आपको फिर एक बार हम सूचित करते हैं। छत्तीस रन हुए बता रहे हैं वो 4 ओवर में 36।
36 के बाद अब शुरू होगा ये पांचवा ओवर। बहुत ही मन गति से आपका मैच चल रहा है, बहुत ही धीमे गति से चल रहा है। थर्टी सेवन सिंगल को एकत्रित कर दिया है और बल्ला चला गया 37 की तरफ, जहां तक बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं आरकेटी के लिए। धीमे धीमे गेंदें जहां कम हो रही वहां पर स्कोर बोर्ड में जान कम होती हुई। लेग स्टंप की गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे बहुत ही खूबसूरती से मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। भाई यशकीता 11 के खिलाड़ी, बार बार आप मीटिंग करोगे सर तो काम नहीं चलेगा। इस मैच को पूरा करना, रात्रि 1 बज रही है, हर एक गेंद के ऊपर डिस्कशन न किया जाए। सबसे धीमा मैच आपका चल रहा है, यशकीता की बात कर रहे हैं, नियम को भंग न करें आप। कड़ाके का शॉट, बहुत ही बढ़िया, इस मैच का सबसे लंबा छक्का 6 रन के लिए आरकेटी के बल्ले से। अब दमदार शॉट उत्पन्न होने शुरू हो गए जो डंके की चोट पर बड़े स्कोर सकते नहीं है। अब अगला गेंद तैयार है, निकल गए गेंदबाज और ये बल्ला भी चला लिया बल्लेबाज ने, अपनी ताकत भी उन्होंने बता दी। फिर एक बार 6 के लिए, लगातार 2 छक्के लगाए बैट्समैन ने, 3 छक्के लगाए लगातार और इस प्रकार गेंदबाज को मुंह तोड़ जवाब दिया। एम्पायर से गुजारिश करेंगे मैच को आगाज रखें। अनवर शेख, बल्लेबाज ने कमर कस लिए, बता दिए 3 छक्के जड़ दिए। लंबे लंबे घातक स्ट्रोक, ये ऑफ स्टम्प शॉट पे गेंद रखा पॉइंट की तरफ, गेंद निकल गई है लेकिन दोनों बल्लेबाज निकल गए अपने इरादे पर, 2 रन पूरे कर लिए, सिंगल को डबल में तब्दील कर दिया और स्कोर में रफ्तार उत्पन्न कर दिए। अब स्कोर की रफ्तार को धीमा करने के लिए गेंदबाज ने कमर कस ली है लेकिन बल्लेबाज अपनी रफ्तार को कम नहीं करेगा। बनाओ अपने बैटिंग के साथ, अपने बल्ले के साथ, सवाल नहीं, वो अपनी ताकत कम नहीं करेंगे आरकेटी 11। अपने इसी मैच को मजबूत बनाएंगे। फिलहाल ओवर बताएंगे मिस्टर विवेक रन के साथ, 5 ओवर में 58 बता रहे हैं, 58। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 58। एक बज के 5 मिनट रात्रि। अनवर शेख से गुजारिश करते हैं मैच को आगाज करें।
बहुत धीमे में चल रहा, बहुत ही धीमे। रुका हुआ है स्कोर 58। अनवर शेख को गुजारिश करते मैच को आगाज रखें। जनाब अनवर शेख के आज के एम्पायर थोड़ा वो ढील दे रहे खिलाड़ियों को। पांच ओवर में 58। अतिरिक्त के इशारे के साथ 59 किनारा बल्ले का निकलना पड़ेगा आपको मैदान से बाहर। अनवर शेख बता रहे संकेत दे दिया आउट का उन्होंने। 59 पर चटकता हुआ विकेट। ग्लासेस सीजन 6 बालाजी चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी का आप देख रहे हैं। आज के दिन का चौथा मैच जो कि क्वार्टर फाइनल मैच प्रतियोगिताओं का अंतिम क्वार्टर फाइनल। छठवें ओवर का खेल स्कोर 59 जो कि इस वक्त छोटा स्कोर मैं कहूंगा। यश गीता अपनी गेंदबाजी पर बरकरार। शिकार पकड़ते पकड़ते हुए 59 रन खर्च कर दिए। मनोज धुआ गेंदबाजी पर। कमाल का शॉट खेला उन्होंने बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से गेंद निकलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ गई और ये चौका शामिल हो गया 63 चौके के साथ 63। बहुत ही बेहतरीन शॉट भरोसेमंद। इस बार गेंद आपको चकमा देके चलेगी बल्लेबाज सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट टू विकेट अपनी गेंदबाजी में लगातार बने हुए मनोज धुआ। लेफ्ट आर्म की तेज गेंदबाजी परिवर्तन के साथ सिंगल से सहमत 64 धीमे धीमे स्कोर का आकार आरकेटी का धीमे धीमे बड़ा होता हुआ। छठवें ओवर का खेल चल रहा है और स्कोर हो गया 64 यानी 36 गेंदे समाप्त होने से पहले 64 यानी यशकिता के लिए एक चुनौती खतरे की चुनौती। अब देखना आपने किस प्रकार की वो गेंदबाजी में परिवर्तन करते हैं मिस्टर मनोज धुआ। लेग स्टंप भी गेंद अतिरिक्त का इशारा अनवर शेख का और स्कोर 65 एक कदम के लिए आगे बढ़ता हुआ 65। ये कड़क शॉट खेल लिया उन्होंने बहुत ही बढ़िया सीधा मिड विकेट के ऊपर से इस दिशा में सबसे लंबा छक्का।
बहुत ही बढ़िया 71-71 बालाजी चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी मैक्सिमम 6 चौका लगा छक्का लगा इस ओवर में 71 चला गया स्कोर और अब गेंद ने धोखा दे दिया बल्लेबाज को दिशा बदल दी लेकिन अब कैच उनके हाथों से चिपकता हुआ और इशारा एम्पायर अनवर शेख का बल्लेबाज को बाहर जाने की अनुमति दे दी ओवर की समाप्ति 6 ओवर में 71 रात्रि अगला बल्लेबाज अपनी पारी के इंतजार के शब्दों के साथ में साहस लेकर बैठा था और अब उनकी पारी आई 71 के बाद वो बल्ला चलाएंगे 6 ओवर की समाप्ति हो गई है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 71-71 24 गेंदें आनी बाकी हैं और आंकड़े सैकड़ों में तब्दील कर रहे हैं सातवें ओवर की शुरुआत होने वाली है जो बहुत ही जबरदस्त लगता शुरुआत होगी गेंदबाज आ गए उछलते कूदते हुए बड़े मैदान में बड़े बड़े डग भर रहे हैं अनवर शेख से गुजारिश करेंगे मैच में जान डाल के रखेंगे हैप्पी भाई आपका स्वागत करते हैं हम हमारे बीच उपस्थित हैं मिस्टर हैप्पी भाई गुजरात में सबसे टॉप पर गरबा खेलते हैं बता दे हैप्पी भाई हमारे बीच बैठे हैं टॉप फ्लोर पर फिलहाल 71-71 सातवें ओवर की दास्तान शुरू हो गई है 71 रुकना पड़ेगा आपको गेंदबाज आ गए बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी करने के लिए और 71 पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो अब देखते हैं कि आरकेटी किस प्रकार सक्षम हो पाती सैकड़ों को आंकड़े में तब्दील करने के लिए फिलहाल अभी तक तो 71 ही है और ये बल्ला छूट गया 49 ये क्या हो गया देखिए ये एक अजीबोगरीब दास्तान सामने एक हादसा हादसे अक्सर जिंदगी में होते हैं खेल में नहीं खेल में केवल नियम होते हैं यानी 71 और ये फुल टॉस गेंद नो बॉल का इशारा अनवर शेख नो बॉल दे रहे हैं 72 72 के आंकड़ों पर अब खेल रुक गया नो बॉल का इशारा दिया नो बॉल और फ्रीड के साथ शायद बल्लेबाज को चोट सी लगी है
71-71 के बाद फिर एक बार खेल शुरू होता हुआ, कुछ अड़चने इस वक्त बल्लेबाज के बीच आती हुई 71 72 तो मैं एक एक रन गिन रहा हूँ, कैसे कम होते हैं। चलिए 72 बता रहे हैं, वेरीफाई करा स्कोर 72 72 के बाद में ये देखिए सीधा 6 रन दिखा रहे अनवर शेख, मतलब 78-78 6 के साथ। पहले से विचार कर लिया था, इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा समय केवल इस मैच में लगा है। जिस प्रकार हम घड़ी की सुइयां देख रहे हैं, एक और कड़ा जवाब दिया है, एक और कड़ा जवाब दिया है, दूसरा छक्का मारा उन्होंने 78 के बाद सीधा 84 84 में बेकाबू होता जा रहा है। जहां तक आंकड़े 84 का सबूत दे रहे हैं, एम्पायर का फैसला पहला और आखिरी, और उनके फैसले से दोनों टीम एक बज के 17 मिनट रात्रि, स्कोर 84-84 नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। जहां तक कि 84 पर बल्लेबाजों को गेंदबाज ने रोक दिया और मौके से इनकार कर दिया, वो ऐसी गेंद कोई नहीं पटकेंगे जिसमें उन्हें मौका मिलेगा। फिलहाल देखते हैं, कहना और करना बहुत ही बड़ी बात होती है। फिलहाल 84 के बाद अगर 4 जाते हैं और चले जाने के बाद 88-88 लेगर फार्मास्यूटिकल बाउंड्री यानी कि चौका लग गया और
आरकेटी 11 शुरुआत बहुत खराब थी, लेकिन अब मैच का छेड़ा बहुत बढ़िया नजर आता हुआ। एक और चौका 92 चौके के साथ 92। जोश में आ गए और अपना जोश दिखा दिया पूरे मैदान में। अच्छी फील्डिंग, अच्छा शॉट, अच्छी बॉलिंग, तीनों तरफ के खिलाड़ी काफी मजबूत रहे, गेंदबाज, फील्डर और बैट्समैन। लेकिन स्कोर 92 की गवाही दे रहा है। पूरी तरह से उसे ताकत से भरपूर करना चाहते, लेकिन मिस फील्डिंग और एक चौका जाता हुआ। स्कोर 96 इस चार के साथ। पहुंचा दिया, जो कि टीम का सफर अभी भी जारी है, जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है आरकेटी। अब देखना है कितना टारगेट देती है वो, ज्यादा से ज्यादा ही टारगेट देने वाली है आरकेटी। फिलहाल 96 के बाद ये 100 रन पूरे होते हुए, 100 पूरे हुए। आखिरी बॉटम लगा गेंद के साथ में, ठीक तरह से रिश्ता कायम नहीं हुआ, लेकिन रन में उछाल नहीं। अच्छी गेंद और एक अच्छा स्ट्रोक कहेंगे, जानदार स्ट्रोक। फिलहाल उनका कोशिश उनकी बरकरार है, आसमानों में से और हवा में से रास्ते नहीं बना रहे, जमीन की मदद लेकर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। फिलहाल मनोज धुआ चले और ये कड़ाके का शॉट, बल्लेबाज ने जवाब दिया सीधा। दोनों बल्लेबाज ओवर महंगा करते हुए।
मिड विकेट की तरफ भेजा उसे, अपनी जानदार पारी को शानदार साबित कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। एक एक दो दो रनों से अब जहां तक चट्टान की तरह स्कोर मजबूत बनाने का प्रयास। इस बार चूके लेकिन गेंद की दिशा नहीं चूकी, रफ्तार से निकली और विकेटकीपर के दस्तानों में। फिलहाल मनोज दुआ लगातार बने हुए अपनी गेंदों के साथ, किनारा लगा बल्ले का, मौका नहीं बना पाए। विवेक मेरे हिसाब से 9 ओवर होने चाहिए और 108 9 ओवर में 108 अब लक्ष्य देने वाला ओवर आ गया, यानी कि आखिरी ओवर की 6 गेंदी और 108। अब ये अंतिम ओवर की बात करेंगे तो किसके खाते में जाता है और कौन एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहता मैदान पर, क्योंकि ये ओवर में लक्ष्य का पता लगेगा कितना दिया है आरकेटी ने। एक बज के 24 मिनट, आखिरी ओवर आज के दिन का चौथा मैच, पहली पारी यहां पर समाप्त होती हुई 6 गेंदों के साथ। कड़ाके का शॉट खेला उन्होंने, सीधा 6 रन के लिए पहली गेंद पर छक्का और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 रन। यशकिता जो कि अब टीम खतरे के तरफ जा रही है, क्योंकि अब स्कोर का आकार बड़ा हो रहा, क्योंकि बड़े स्कोर का आकार अब यशकिता को डराता हुआ। भाई एक पुराना गेंद दीजिए, रन आखिरी ओवर का खेले और टारगेट बहुत ही जबरदस्त मिल रहा है, लेकिन लेकिन अब देखना पड़ेगा इस प्रकार दूसरी पारी में पता पड़ेगा तेल और तेल की धार। फिलहाल अभी तो 114 है और 114 के बाद में गेंद अगर 6 के लिए नहीं और मैदान के अंदर है तो फिर वो कैच उनके हाथों में है। शानदार अच्छा कैच, बढ़िया कैच पकड़ा, लपक लिया। बालाजी चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी आप देख रहे हैं, अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच आज के दिन का, चौथा मैच, आखिरी मैच और आखिरी क्वार्टर फाइनल। कड़क शॉट
लेकिन उतना बेहतरीन साबित नहीं हुआ ये शॉट, और कैच लपक लिया। फिलहाल एक और बल्लेबाज मैदान के बाहर 114 पर, एक और बल्लेबाज ने घुटने टिका लिए। वन वन फोर फाइन लेग की तरफ, इरादे मजबूत बल्लेबाज के, 115। काफी देरी के बाद एक रन की मदद मिली है हमें और 115। अब टारगेट कितना मिलता उन्हें देखते हैं, आरकेटी क्या टारगेट देती है। एक और कमाल का शॉट खेला उन्होंने, बहुत ही बढ़िया रोमांचक शॉट खेला, सीधा स्कोर 120। जहां तक 10वां ओवर महंगा और लंबा, 1-0। एक और कड़क शॉट खेला, 1-1, 121। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल को डबल में तब्दील करके 122 की तरफ स्कोर मजबूत कर दिया और अब 123 की तरफ। ला, 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 ला। 124 का टारगेट।
बालाजी चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी का आप देख रहे हैं अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच। गेंद की वापसी के लिए आपसे गुजारिश करेंगे, मिस्टर नवीन खेटक मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो गेंद की वापसी के लिए जल्द से जल्द बने रहेंगे ताकि मैच में विलंब न हो। अरे एक बोल देना जा, नया नया बोल नहीं है। अच्छी गेंद, नहीं है मौका, नहीं लगेगा चौका। एक 6 रन मार के रात की सांस ले ली बल्लेबाजों ने। पहले ओवर का खेल और 6। कवर के ऊपर से 4 को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचा लिए 3 रन। स्कोर 7। जहां तक स्टार्टिंग के ओवर अगर वो तेज खेलते हैं सर्कल के तो शायद बात बन जाएगी उनकी 124 की, लेकिन अभी 7 है और कवर की तरफ है, लेकिन 7 पे रुके हुए हैं। पहला ओवर चल रहा है 7। पहला ओवर अपने स्थान से आगाज हो चुका है 7। सात के बाद ताकत लगा दी बल्ले में और ये शानदार चौका। 7 और 4 11 हो गए। पहले ओवर के खेल में स्कोर 11 पे चला गया, यानी कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। यश की
के पीछे तेज रफ्तार से दौड़ रहा है ये खेल, और 11 पर पहुंचा। 12 के क्रम पे पहुंचने के लिए वक्त नहीं लगाया और चौकी का इशारा दे रहे अनवर शेख। ओवर की समाप्ति 11 और 4 15, एक ओवर में 15 ओवर समाप्त। अच्छी शुरुआत, एक ओवर में 15। बल्लेबाजों ने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया अपने बल्ले से आरकेटी को, लेकिन 54 गेंदों का खेल इस मैच का फैसला करेगा कि अगला मैच कौन खेलेगा सेमीफाइनल। हवा में उछाल दिया, 6 पे मोहर लगा दी बल्लेबाज ने, पूरे 6 रन अनवर शेख के हाथ आसमान की तरफ। 15 और 6 21, एक 103 रन और बटोरने होने। अच्छी गेंद, नहीं दिया मौका गेंदबाज ने, और दोनों बल्लेबाजों को 21 के आंकड़े पर इंतजार करवा रहे गेंदबाज। इक्कीस के बाद ये देखिए सीधा रिवर्स शॉट, भरोसेमंद शॉट खेला है अनवर शेख, एम्पायर के हाथ आसमानों की तरफ। 27 रन 6 के साथ। दूसरा ओवर का खेल जारी है, बड़ा आंकड़ा चला गया इस वक्त। अच्छी गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, 27 के आंकड़े पर रोक दिया, लेकिन यशकीता रोकने वाले बल्लेबाजों में से एक नहीं, चट्टान की तरह मजबूत बल्लेबाज है। कई मैचों का अनुभव है, हजारों मैचों की श्रृंखलाएं खेली हैं, अनुभवी बल्लेबाज। छोटा गेंद, 27 के बाद फिर बल्लेबाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अनवर शेख ने फिर एक बार आसमान की तरफ हाथ उठा दिए, यानी कि 6 रन और स्कोर 33 6 के साथ। छोटे कदमों से निकल गए, दूसरा ओवर लंबा और महंगा। ये फिर एक बार कड़क शॉट खेल रहे हैं वो, लेकिन सिंगल उन्हें जरूरी मिलेगा। 34 बिना विकेट के नुकसान पर यशकीता 11, 34 दो ओवर की समाप्ति में 34। और अब तीसरे ओवर का खेल शुरू होगा, देखते हैं 34 के बाद के आंकड़े किस तरह रफ्तार में आगे जाते हैं या फिर सिकुड़ जाते हैं, सब गेंदबाजों पर ही निर्भर होता है।
तीसरे ओवर का खेल शुरू। कड़क शॉट, एक शानदार छक्का लगा दिया मिड विकेट के ऊपर से लीगर फार्मास्यूटिकल मैक्सिमम सिक्स और स्कोर पहुंचा 40। 34 के बाद सीधा छक्का लग गया 40। से संतुष्टि दोनों बल्लेबाजों को, बिना विकेट के नुकसान पर 40 पर चले गए तीसरे ओवर के खेल में, यानी कि 40 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। फिलहाल मैदान पर ठंडक बढ़ती हुई गर्मी के मौसम में, फिर एक बार रात की खामोशी में ठंडी ठंडी हवाएं। बिल्कुल नहीं, 40 पर रुकेंगे आप। 41 के आंकड़े सोच से दूर, तीसरे ओवर का खेल 40। भाई भी इस मैच के फैसला रहेगा, मैं इस मैच के फैसले का इंतजार सभी को। इस बार खूबसूरत जवाब दिया बल्लेबाज ने, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत फील्डिंग अपनी टीम के लिए, पूरे 4 रन बचाए उन्होंने, कमाल की फील्डिंग आपकी, बहुत अच्छी। और शानदार गेंदबाजी तो बस यही बता रही कि ये अच्छी और शानदार गेंदबाजी, 40 पर रोका दोनों बल्लेबाजों को तीसरे ओवर में। करारा जवाब देकर वो निकल गए, सिंगल का जवाब था उनका 41। तीसरे ओवर के खेल में स्कोर जा पहुंचा 41 की तरफ, दोनों बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद बना लिया फाइन लेग में, नो बॉल का इशारा, नो बॉल पे चौका जा रहा है गेंद, यानी कि 5 रन जोड़ने पड़ेंगे, 41 और 5 जोड़ लेते पारी के अंदर 46। नो बॉल फ्री हिट, नो बॉल का भरपूर फायदा उठा रहा बल्लेबाज ने, कह दिया शानदार छक्के लगा के सोने पे सुहागा शॉट कहते हैं इसको, नो बॉल का भरपूर फायदा। 3 ओवर की समाप्ति और छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा। आखिरी दौड़ दोनों टीमों की, अब चौथे ओवर का खौफनाक खेल शुरू होगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक टीम को इस श्रृंखला से बाहर होना पड़ेगा। कौन किसको बाहर करता है देखते हैं इस गेंद के साथ। 3 ओवर की समाप्ति में बिना विकेट के नुकसान पर 52 और अब मैदान का निशाना गेंदबाज की तरफ। चौथे ओवर का स्वागत करेंगे गेंदबाज, चौथे ओवर का खेल और रुका हुआ स्कोर अब शुरू हो चुका है 52 के बाद का। 52 के बाद ये घातक अफलातून छक्का मिड विकेट के ऊपर से 58 शानदार 6 के साथ चौथे ओवर में।
यश की था एक मजबूत टीम प्रतियोगिताओं में और अपने आप को वो साबित कर रही है और घोषित करने के लिए 124 के आंकड़ों को अपना गुलाम बनाएगी, तो उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया है। चौथे ओवर का खेल 58 शानदार 6 के साथ बिना विकेट के नुकसान पर टीम के ऑनर मिस्टर वैभव, काफी बढ़िया टीम बनाई है, अच्छी गेंद काबिलियत से भरपूर उनकी गेंदबाजी। चौथे ओवर का खेल 58 दबा हुआ शॉट शानदार 58 के बाद सिंगल से संतुष्टि लेने पड़ेगी आपको। 59 बिना विकेट के नुकसान पे आप देख रहे हैं चौथे ओवर का खेल। आखिरकार बल्ला घूमते घूमते मैदान में 59 के आंकड़े पर पहुंच चुका और बाप रे कमाल का, लेकिन गेंद ने लंबाई नहीं ऊंचाई को पकड़ लिया। सिंगल के साथ में 60 यानी कि 60। चौथे ओवर का खेल 60। गुड शॉट शानदार घुटनों के बल खेला उन्होंने 61। दिस टूर्नामेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी ग्रुप। आफ्टर 61 चौथे ओवर का खेल समाप्त हो रहा और बल्ला पहुंचा 61 पर यश की ता 11। अंधाधुंध इस बार बल्ला चलाया आखिरी गेंद के साथ 4 ओवर समाप्त 61 यशकिता 11 बिना विकेट के नुकसान पर 124 की तरफ बढ़ते हुए। चार ओवर की समाप्ति के बाद 61 और अब शुरू होगा पांचवें ओवर का खेल, जो 62 की तरफ बल्ला बता रहा है यानी कि 62 मिड ऑन के पॉइंट की तरफ गेंद है, जहां तक ये मिड ऑन का एरिया कहलाता है और एक ही मिलेगा 62। पांचवें ओवर के खेल के साथ 62 पर बल्ला पहुंचा और अतिरिक्त के साथ में अब 63 की तरफ बल्ले का किनारा बता रहा है कि 63 की तरफ बल्ला निकल चुका है, 124 की रफ्तार पकड़ रहा है बेकाबू होता हुआ। 64 कवर की तरफ 64 एक रन मिलेंगे अच्छी फील्डिंग के साथ 64 और पांचवे ओवर का आप खेल दिख रहे हैं। करारा जवाब नहीं है आपके पास, कठिन शॉट नहीं आपके पास, 64 पे रुके हुए आप पांचवे ओवर के खेल को खेलने के बाद बिना विकेट के नुकसान पर बल्ला 64 की तरफ।
ये कड़क शॉट, ये कमाल का शॉट आपने खेला, जो छह के लिए तो नहीं लेकिन चित्र रक्षक की हथेली के हाथ में आ गया, यानी कि पहले विकेट का पतन हुआ 64 पर। और इस तरह यशकिता का पहला बल्लेबाज घुटने टिकाने के बाद आई नो पारस ठाकुर काफी अनुभव खिलाड़ी हैं। एक विकेट के नुकसान पे पारी लड़ खड़ा तो नहीं गई है क्योंकि स्कोर आप जानते हैं, सातवें आसमान की तरफ इशारा कर रहा है स्कोर तो। और बल्ला काफी बेताब है 124 की तरफ मोहर लगाने के लिए। रात की खामोशी में ये रोमांचक खूबसूरत मैच अंतिम कगार की तरफ जाता हुआ, पूरी श्रृंखलाओं का आखिरी मैच है जो कि क्वार्टर फाइनल नाम से खेला जा रहा है। 64 टीमों में से 60 टीमें बाहर निकल जाएगी, अब चार बचेगी इसके जीतने के बाद। 32 गेंदों में 60 रन की आवश्यकता, 32 में 60 चाहिए। वहां पर एक और विकेट का घुटने टिकाना, दो झटके लग गए। 32 गेंदों में 60 चाहिए था लेकिन अब 31 गेंदें बची हैं और सफर और धीरव पंड्या ने तैयारी कर ली, निकल गए बल्ला लेकर। कई मैचेस खेले हैं, कई प्रतियोगिताओं में नाम कमाया है, बेस्ट बॉलर मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट फील्डर मैन ऑफ द मैच और इस तरह के कई पुरस्कार से धीरव पंड्या को नवाजा गया है। और अब देखते हैं इस श्रृंखला के अंदर 64-64। अब आगे नया बल्लेबाज बिल्कुल मैदान पे आ गए, मैदान की पर और गेंदबाज ने उन्हें ले लिया अपने निशाने पर। अच्छी गेंद 65 निकल गए वो, एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति, 65 बोलू 65, 30 में 59 आने वाली 30 गेंदों में 59 रन चाहिए। और अब ये रात की खामोशी में एक रोमांचक मैच आप देख रहे हैं, क्वार्टर फाइनल के नाम से खेला जा रहा है। कौन फतेह पाता है इस मैच पर, यही जानने के लिए चलते सीधा छठवें ओवर के खेल की तरफ। पर दो गंभीर अवस्था इस वक्त, मैच आपका रोमांचक है लेकिन अवस्थाएं काफी गंभीर हैं। अंदाज लगाना बहुत ही मुश्किल है कि मैच किसकी तरफ चल रहा है क्योंकि मैच ये दोनों टीम की तरफ चल रहा है, दोनों टीम ताकत से भरपूर हैं। 65 पे दो विकेट इस वक्त, जहां तक कि 30 गेंदों में बता रहे 59 रन की आवश्यकता है और 30 पर 59 है तो चट्टान की तरह मजबूत आंकड़े है ये। चला दिया बल्ला नीरव पंड्या ने, दिखा दिया अपनी ताकत, स्वागत कर दिया मैदान का 6 रन से 71 पर 2, 71 71 पे 2।
72 72 काफी गंभीर आंकड़े अच्छी गेंद दबाने का प्रयास कर रहे गेंदबाज और पूरा पूरा अपनी तरफ से जो काम उन्हें करना है वो काम वो पूरा कर रहे हैं। अपनी गेंदों से उनको डरा रहे दबा रहे हैं। जहां तक नीरव पंड्या ने एक शानदार छक्का लगाकर बता दिया टीम के कप्तान को चिंता की बात नहीं है, मैदान पर मैं हूं सीमित। 72 पर बल्ला रुक गया और मौका पे मौका बना रहे वो, लेकिन मौके पे चौके नहीं लग रहे, इसलिए नीरव पंड्या काफी परेशान हो रहे हैरान हो रहे। छठवें ओवर का खेल आप देख रहे हैं। आरकेटी जबरदस्त गेंदबाजी कर रही है, इसके बाद चार बचेंगे, छठा चल रहा है। चाहिए अच्छा कड़ाके का शॉट नहीं लगा पाए नीरव पंड्या, गेंद में गति नहीं दे पाए। 25 गेंदों में 52 रन चाहिए, यानी इस ओवर का ये आखिरी गेंद। 25 गेंदों में 52। अब यशकिता और आरकेटी दोनों टीम के लिए खेल एक ही सवाल है, एक प्रश्न के दो जवाब। इस मैदान पर कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका जवाब इसी मैदान पर है। ढूंढने के लिए 10वें ओवर की आखिरी गेंद सुना देगी फैसला कि अगला सेमीफाइनल कौन खेलेगा। और सेमीफाइनल के लिए लड़ाई आप देख रहे हैं, जोश के साथ में गेंदबाजी कर रहे, जोश के साथ में बल्ला चल रहा है नीरव पंड्या का, लेकिन मंजिल थोड़ी दूर है। ये बल्ले में जान है लेकिन ज्यादा जान नहीं डाली बल्ले में, फील्डिंग उतनी काफी शानदार, जिस गति से गेंद निकली उसी गति से आ गई। ओवर समाप्त, 4 में 50 यानी कि 24 गेंदों में आपको चाहिए 50 रन फतेह पाने के लिए। यशकिता 11 थोड़ी गंभीर है। अनवर शेख से गुजारिश करते मैच को पूरा करे, फिर एक बार मेला लग गया मैदान पर। दिस टूर्नामेंट इज स्पॉन्सर बाय बालाजी ग्रुप द्वारा, आप देख रहे हैं बालाजी चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी। 24 गेंदों में 51 अब यहां से हम उल्टी गिनती से मैच को रोमांचक बना देते हैं और दोनों टीमों के हौसले बुलंद कर देते हैं। 24 पर 51 23 गेंदों में 51 23 गेंदें बची हैं और 51 जहां तक नीरव पंड्या का सवाल है, टिके हुए मैदान पर फ्रेश बैट्समैन है, आते ही छक्का लगा दिया था, खाता खोल दिया, लेकिन अब 23 गेंदों में 51 ये कमाल का शॉट नीरव पंड्या के बल्ले से निकलता हुआ, एक और छक्का शामिल हो गया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। 86 2 विकेट के नुकसान पर।